मुझे विराट सवान का बिल सेटल करना है। विराट सवान, उनका बिल तो वो खुद क्लियर करके जा चुके हैं। क्या विराट सवान डिस्चार्ज लेके चला गया? उन्होंने कोई एड्रेस दिया है वो कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा था वो आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं। आपको नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं? आप तो उनकी फैमिली से है ना? वो हाँ हाँ मैं पता है, सब इसलिए पूछ रहे थे कि उसने मेंशन तो नहीं किया। थैंक यू। जिसका मुझे डर था वही हुआ ना। विराट हम सबको बिना बताए चला गया। वो हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। विराट मुझे बिना बताए कैसे जा सकता है? मेरा मतलब है कि विराट अपनी फैमिली को बिना कुछ बताए कैसे जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सई यहाँ हॉस्पिटल में आ गई हो और विराट उससे इरिटेट होके जल्दी निकल गया हो? पत्र लिखा, तुमने अभी अभी कहा ना कि सई का नाम कोई नहीं लेगा। किसने क्या कहा था क्या नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं है। अगर सोचना ही है तो सब लोग प्लीज ये सोचिए कि हम विराट को घर वापस कैसे लेकर आए। लेकिन दादा हमें तो ये भी नहीं पता कि विराट दादा है कहाँ, घर कैसे लाएंगे उन्हें? देवी, देवी, बस शांतु, शांतु। आई, कहीं वीरू हम सबको हमेशा के लिए छोड़ के तो नहीं चला गया ना? बाबू, देवी ठीक कह रही है। ये हमारा बेटा हमें हमेशा के लिए छोड़ के तो नहीं चला गया ना? नहीं अश्विनी, ऐसा नहीं होगा। देखो विराट जहां कहीं है हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं उसे कॉल करता हूं। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वही नहीं, आराम से आप बैठे। अश्विनी शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सम्राट तुम अश्विनी और सबको लेके घर जाओ। मैं रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन जाके थोड़ी पूछताछ करता हूँ, ठीक है? दादा बस स्टैंड मैं चला जाता हूँ, आप रेलवे स्टेशन चले जाइए। विराट को निकले हुए टाइम हो गया है तो हमें अलग अलग जगह ढूंढना चाहिए। ओमी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शिवानी बुआ, हम एयरपोर्ट चलते हैं। सब मुझे ही समझा रहे थे ना, विराट वापस घर आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा? क्योंकि हम सभी ने उस पर धोखेबाजी के इल्जाम लगाया ना, उसके चरित्र पर सवाल उठाया ना, चला गया वो। शायद मुझे पता है कि विराट कहाँ होगा। गुस्सा थूक, खाना खा ले। मुझे लगता है सिक्योरिटी बुलानी ही पड़ेगी। ये नाटक का बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। इसे नहीं पता ये किससे पंगा ले रही है। तुरुक तुरुक, मैं देखता हूं कौन है यार। कौन है बोलेगा, कौन है? किसी को बिना बताए तुम क्यों चले आए विराट? सनी ने हमें कुछ नहीं बताया विराट, मुझे लगा ही था कि तू यहीं होगा। लेकिन तू यहाँ क्यों है विराट? हम सब तुम्हें लेने आए थे हॉस्पिटल में, लेकिन तुम वहां थे ही नहीं। हॉस्पिटल से निकलने से पहले कम फोन तो कर देते ना, किसी को पता चल जाता।
हमें कुछ भी पता नहीं था, हमें तो ऐसा लगा था कि तुम्हें कल डिस्चार्ज मिलने वाला है हॉस्पिटल से। और तू सनी, तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कम से कम मुझे एक मैसेज ही कर देता कि विराट एक दिन पहले डिस्चार्ज ले रहा। इसे मैंने मना किया था। तू हमें बिना बताए, तुझे बगैर हमारे डिस्चार्ज लेने की क्या जरूरत थी? किसी के भी वहां होने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग की यहाँ आने की भी क्या जरूरत थी, और मैं किसी को कुछ भी इन्फॉर्म क्यों करूं जब मैंने पहले ही बात क्लियर कर दी थी कि मैं घर नहीं आऊंगा। इनफैक्ट उस जगह को घर कहने में भी मुझे तकलीफ हो रही है। पूरा परिवार अपने आप को दोषी मान रहा है, हम सब गिल्टी महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर निनाद मामा, अश्विनी मामी। देख, इमोशनल बातें, ये माफी मांगना, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मर गया था ना मैं इनके लिए, मैंने भी अपनी फीलिंग्स मार दी हैं। अब इन सब बातों से मेरा दिल नहीं पिघलने वाला, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। और फिर भी अगर पीछा नहीं छोड़ा तो देश छोड़ दूंगा, और जरूरत पड़ी तो दुनिया भी छोड़ दूंगा मैं, लेकिन तुम सबसे दूर रहूंगा मैं। आज आखिरी बार आप मेरा चेहरा देख रहे हैं। सुनो मेरी बात विराट, सुनो तो मेरी बात तो सुनो विराट। आई, आई चोट तो नहीं लगी आपको? मुझे एक चोट लगने पर मुझे मेरे बेटे के मुंह से आई सुनने को मिलता है, तो ऐसे हजारों चोटें मैं अपने आप पर लगाने के लिए तैयार हूँ बेटा। एक मामूली सी चोट लगी, जिन हाथों से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारे थे, उस हाथ को जब मुझे चोट लगती है तो मेरे बेटे का दिल तड़प उठता है। इससे तो साफ पता चलता है कि मेरे बेटे के दिल में अब भी अपने माँ के लिए बहुत प्यार है। गुड़ू, हम सब ने तुम पर नाजायज रिश्ता रखने का इल्जाम लगाया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस इल्जाम की वजह से तुम्हारा मेरे साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता ही हम लोग गवा बैठेंगे। हमने श्रुति से भी माफी मांग ली है, उसे हम लोगों ने कहा खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करना, हम सब परिवार है, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम सब साथ हैं। हमने कहा उसे और माफी भी मांगी। हो सकता है विराट तुम्हें हमारी जरूरत नहीं हो, पर हमें तो तुम्हारी जरूरत है जिंदा रहने के लिए। शिवा, तेरे जीवा से तुझे समझने में गलती हो गई मेरे भाई, मैंने हमारी जीवा और शिवा की जोड़ी को तोड़ दिया। मेरी छोटी सोच ने मुझे आज छोटा बना दिया है विराट, तो तू बड़ा भाई बन जा। आज अपने इस छोटे भाई को माफ कर दे यार, जीवा और शिवा की जोड़ी को फिर से एक करते मेरे भाई। विराट, तेरे घर वाले मुझे बचपन से जानते हैं, वो जब मुझे इतना प्यार करते हैं तू तू तो उनका अपना है यार, सोच भी नहीं सकता वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। जो कुछ भी हुआ इनकी गलती नहीं है, हालात गलत थे। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो हमेशा के लिए। गुरु, तुम इतनी नफरत करते हो मुझसे विराट, क्योंकि मैं आई कहलाने के लायक नहीं हूं ना। एक आई के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है जो मैं भुगत चुकी हूं। मेरे पापा ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है बेटा, अब
अपने बच्चे को मौत से लड़ते हुए देखना, इससे बड़ी सजा गाड़ी के लिए और क्या हो सकती है बताओ तो? तुम भी मुझे सजा देना चाहते हो? दे दो, मुझे दे दो सजा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपने आई के पास वापस आ जाओ बेटा, अपने परिवार के पास वापस लौट आओ, प्लीज आ जाओ। मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रही हूँ, मुझे मेरा बेटा लौटा दो, वरना तुम्हारी आई कुट-कुट के बच जाएगी, बच जाएगी। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। समझ कीजिए, मैं आपके साथ घर वापस चलूंगा। हाँ।